एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो फैन रेसिया ने की वुल्फ थी वो फ्लियो के ऊपर हमला करती है, लेकिन ये यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि मेरे पास तो कितने सारे मैजिक है, मगर फिर से वो वुल्फ घूमकर उसके ऊपर हमला करती है। ये यहाँ पर ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करता है और नए नए स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा था। ये जो ग्रेविटेशन स्पेल होता है वो काफी खतरनाक होता है, वो उठ ही नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पर ये और भी ज्यादा स्पेल्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये सारे स्पेल्स कैंसिल हो जा रहे थे और सिस्टम भी फ्लियो को बता रहा था कि तुम्हें अपना गुलाम इसे बना देना चाहिए, हमारे पास ऐसा एक स्पेल है। लेकिन फ्लियो बार बार मना कर रहा था और ये यहाँ पर उसके स्पेल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। कितना भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर ले मगर फिर भी इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और इधर फ्लियो सिस्टम से कह रहा था कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे अपना स्लेव नहीं बनाऊंगा। और लास्ट में थक हार कर वो वुल्फ फाइनली हार मान जाती है और कहती है कि मैं हार गई, अब तुम मुझे मार दो, मुझे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन फ्लियो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, मुझे मारना अच्छा नहीं लगता है। तब फेनरिस अचानक से उठ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले हो? लेकिन मैंने तो सरेंडर कर दिया। फ्लियो कहता है नहीं, और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपना रूप बदल देती है। तो अब इसका रियल रूप दिखाते हैं, वो बच्ची वाला नहीं बल्कि बड़ी लड़की वाला, और उसके कपड़े हट चुके रहते हैं। तो फ्लियो तुरंत ही अपना कपड़ा उसे पहना देता है और कहता है कि ये क्या हुआ? तो वो लड़की कहती है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया ना। और अचानक से वो सो जाती है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। फिर शाम के सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्लियो देख रहा था कि मेरे पास तो कितने सारे मैजिक स्पेल है। तभी फेनरिस उठ जाती है और देखती है कि उसकी पावर्स तो वापस से रिस्टोर हो चुकी है। तब वो समझ जाती है कि पक्का फ्लियो ने ही कुछ किया है, तभी उसकी पावर रिस्टोर हो चुकी है। सो इसके बाद वो फ्लियो के पास आ जाती है और सोचती है कि मैंने सोचा था कि ह्यूमंस पावरलेस और कमजोर होते हैं, लेकिन नहीं, ये अच्छा भी है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। तो फेनरिस उसके पास जाकर कहती है कि जब मैं सोई थी तब तुमने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था ना? वो कहता है हाँ, और अब तुम कैसी हो? वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर उसे कहती है कि आपने मुझे हरा दिया और मुझे मारा भी नहीं। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हो तब तक आपकी सेवा करूँगी मास्टर, मैं आपकी गुलाम बनकर रहूँगी। लेकिन वो मना करता है कि नहीं, मुझे गुलाम की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो वैसे भी तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपकी गुलाम ही रहूँगी और आप मेरे मास्टर। लेकिन वो कहता है कि नहीं। तब वो कहती है कि अगर आप मेरे मास्टर नहीं बनोगे तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तब फ्लियो कहता है कि नहीं रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद फ्लियो उसे सब कुछ बता देता है कि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता है और वो तो हीरो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लाया गया था, लेकिन मुझे ये लोग वापस अपनी दुनिया में भेज ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो अपना शेप शिफ्टिंग मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाता है कि देखो ये है मेरा रियल फॉर्म, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें दिक्कतें ही आने वाली है। तब वो कहती है कि मुझे आपके अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मेरे मास्टर हो और मैं आपके साथ लॉयल रहूँगी, मैं मर्टेडम तक आपकी सेवा करूँगी, भले मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूँगी क्योंकि आप मेरे मास्टर हो। फ्लियो कहता है सच में? तो वो कहती है हाँ, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सीधे फ्लियो को हक कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि कैसल में आ चुका था। किंग पूछता है कि वहाँ पर जंग के मैदान में क्या हुआ था। तब हीरो बताता है कि आपके नाइट्स तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, वो तो कुछ मॉन्स्टर्स को देखकर ही वहाँ से भाग गए थे, वो तो अच्छा है कि मैं हूँ जो उन्हें जिंदा बचा कर ले आया। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर किंग साइड वाले गार्ड से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वो बताता है कि हीरो होने के बावजूद भी ये सबसे लास्ट में खड़ा था और जब नाइट्स अपनी जान की बाजी लगा रहे थे तब वो वहाँ से भाग आया था क्योंकि इसे लड़ना नहीं था। अब किंग परेशान होकर कहते हैं कि पता नहीं किस तरीके का हीरो है ये, क्या हमारे नेशन को कुछ फ़ायदा होने भी वाला है। फिर ये हीरो गुस्से में जा रहा था और सोचता है
की 1 महीना ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरा लेवल या फिर पावर कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। मैं छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को तो मार सकता हूँ, लेकिन बड़े मॉन्स्टर को मारना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर वहाँ पर उसकी मेड आती है और वो उसे कहता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तो चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कितना खजाना भरा है। असल में तो ये यहाँ पर बस मजे करने आया था, इससे बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। ये अपनी मेड के साथ चला जाता है, फिर सीन कट होता है और हमें फ्लियो और फेनरिस को दिखाया जाता है जो टाउन में आ चुके थे। असल में इन्हें जिंदा रहने के लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा, तो ये लोग गिल्ड में जा रहे थे ताकि कोई काम मिल जाए। तभी साइड से एक बंदा कहता है कि मैडम आपको ये फ्रूट लेना चाहिए। फेनरिस सोचती है कि ये मुझे मैडम क्यों कह रहा है। तब फ्लियो कहता है कि शायद से ये हमें कपल समझ रहा है, और ये बात सुनकर फेनरिस शर्मा जाती है। फ्लियो कहता है कि हमें ऐसे ही एक्ट करना है कि हम कपल है। तो फेनरिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब आप मेरे हस्बैंड है और मैं आपकी वाइफ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक ऐसा हस्बैंड जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, यही तो हर फीमेल को चाहिए। फिर ये दोनों गिल्ड के अंदर जाते हैं। फेनरिस बहुत ही जोश में रहती है। जब ये लोग गिल्ड के अंदर पहुंचते हैं तो देखती है कि हम दोनों का लॉकेट तो सेम है, वो असल में पास रहता है कि कौन से लेवल पर है वो लोग। तो फ्लियो कहता है क्या हुआ, तुम्हें इस पास से कोई प्रॉब्लम है क्या। तब वो बताती है कि हमारी बिरादरी में जब मैरिज रिचुअल होता है तब जो शिकार को मारकर उसकी हड्डियों को खाते हैं तब दोनों एक हो जाते हैं। मुझे उसी की याद आ गई और इधर ये सोच रहा था कि पता नहीं ये क्या क्या सोच रही है। फिर जब ये लेडी पूछती है कि आपका नाम किस नाम से रजिस्टर करो, तब फेनरिस अपना पूरा नाम बोलने ही वाली थी, लेकिन फ्लियो कहता है कि रीस, इसका नाम रीस है। फिर वो माफी मांगती है कि माफ करिए मास्टर, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें अपना असली नाम नहीं बताना है, वरना सब हमें पहचान लेंगे। वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे इस ह्यूमन अपीयर में तुम्हें कोई भी नहीं पहचानने वाला और तुम एकदम सुरक्षित हो। तभी यहाँ पर अचानक से अर्जेंट क्वेस्ट आता है, वो होता है कि साइको बेयर्स सीधे टाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा उसे बहुत सारे, मतलब कि 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी रैंक का जा सकता है लेकिन कोई भी जाता नहीं है। और फ्लियो भी कह रहा था कि वो बियर्स तो बहुत ही ताकतवर होंगे तो मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगा, हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन रिस कहती है कि नहीं, आपने मुझे हरा दिया तो वो बियर्स तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, फिर आपको साबित हो जाएगा कि आप कितने पावरफुल हो। ये लोग टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। वो बियर्स शहर की तरफ बढ़ रहे थे। तब रिस कहती है कि जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं डार्क लॉर्ड को भी हरा सकती हूँ। असल में डार्क लॉर्ड यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान है। फिर वहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही थी, तब ये लोग जाकर देखते हैं तो जो नाइट्स रहते हैं वो बियर्स से घिरे हुए थे और ये बियर्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। तब रिस कहती है कि हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन फ्लियो कहता है कि इसकी जान खतरे में है। इधर हमें नाइट्स को दिखाया जाता है, उसके बाद इस नाइट पर एक बियर हमला करता है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और फिर से एक बियर आकर उन पर हमला करने वाला था, लेकिन तब फ्लियो अपना थंडर पावर का इस्तेमाल करता है और उन सभी की हालत खराब हो जाती है। फिर एक और बियर वहां से निकल रहा था, लेकिन तभी रिस उसके ऊपर कूदती है और उस बियर की वाट लग जाती है। वो कहती है कि इन बियर्स को तो हराना बहुत ही ज्यादा आसान है। तब पीछे से फ्लियो आकर कहता है तुम लोग ठीक तो हो ना। वो नाइट कहती है फ्लियो आप, हमें लगा कि उस मॉन्स्टर ने आपको मार दिया या फिर आप मुसीबत में होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे उस मॉन्स्टर का क्या हुआ, फ्लियो सोच रहा था कि क्या मैं उन्हें सच बता दूं कि रिस ही वो मॉन्स्टर थी, फिर सोचता है कि नहीं। उसके बाद वो लोग पूछ रहे थे कि ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी कौन है, तब ये कहता है ये मेरी कंपेनियन है। तब रिस सोचती है कि इसने मुझे अपनी वाइफ क्यों नहीं कहा और कंपेनियन बोल दिया, इसलिए वो उदास हो जाती है। और अचानक से एक और बियर रिस के पीछे आ चुका था। वो लोग कहते हैं कि जरा संभाल कर, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इसका जो डेथ स्टेयर था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही वो बियर के ऊपर देखती है वो तो अचानक से अपने आप को सरेंडर कर देता है, मतलब ये लड़ना ही नहीं चाहता था। इतना पावरफुल बियर जिससे हीरो भी डरता था, ये इससे डर जाता है। वो कहती है कि हमें इन्हें अपना पेट बनाना चाहिए।
इस बियर ने हीरो की पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया है और आप इसे लेकर अगर शहर में जाओगे तो आपका अलग ही चेहरा बनेगा, एक अलग ही शोर होगा। लेकिन फ्लियो ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि ये मुसीबत फैला सकता है। ये बियर बहुत ही ज्यादा खूंखार होते हैं, इसलिए ये एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसे अपने अंडर में ले लेता है, अपना कंपेनियन बना लेता है। अब ये बियर फ्लियो की बात मानेगा। नाइट सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है, मतलब इतने खतरनाक बियर्स को इन लोगों ने बड़े आराम से हरा दिया और साथ ही साथ इसे अपना पेट भी बना दिया। फ्लियो इंसान है या जादूगर? इसके बाद ये लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देते हैं क्योंकि बियर्स देखने में खतरनाक लगते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा क्यूट बना देते हैं। रीस कहती है कि अब इसके अंदर से कोई भी पावर महसूस नहीं हो रही है। वैसे उसे काफी जलन हो रही थी क्योंकि फ्लियो ने उसे अपने गोद में ले लिया था। फिर नाइट आकर कहती है कि सर क्या हम आपसे एक फेवर मांग सकते हैं? वो लोग फ्लियो और रीस के घर में चले जाते हैं। ये लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पर इस लड़की का नाम बेली और वो ताकतवर होती है। इन लोगों का अलग अलग नाम होता है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि आप हमें समझाएंगे कि आखिर लड़ा किस तरीके से जाता है। प्लीज मना मत करिएगा क्योंकि आपको पता है कि हीरो की पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हार गई है। वो कहता है कि वो डीमन लॉर्ड से नहीं लड़ेगा। इस वजह से जो किंग है उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि सारे नाइट्स को इतना ज्यादा ट्रेन करना है कि वो लोग आराम से डीमन लॉर्ड को हरा सके, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है और हम लोग तो अभी नए नए नाइट्स है तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग आसपास भी पहुंच पाएंगे। इसलिए हम आपसे मदद की गुजारिश करते हैं कि प्लीज आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। लेकिन फ्लियो तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों को सिखा सकता हूँ। इधर साइड में फेनरिस को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों की इतनी हिम्मत, शेमलेस वुमन मेरे सामने बोलती है सिखाने के लिए। और फिर फ्लियो कहता है कि ये रीस है, ये मेरी वाइफ है। ये लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या आप मैरिड हो? वो कहता है हाँ मैं मैरिड हूँ और ये मेरी वाइफ है और ये हमारा घर है। तब ये लोग कहते हैं ओह हमें माफ करना, इसका मतलब हम लोग आपके प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे अपने वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, रिस कहने लगती है अरे क्यों नहीं हस्बैंड, हम लोग इन्हें जरूर सिखाएंगे और वैसे भी हमारे पास तो बहुत सारी जगह है। वो लोग एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्या हम लोग यहीं पर रुक सकते हैं? हम लोग लिविंग रूम में भी सो जाएंगे, हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। तब फ्लियो भी सोच रहा था कि मैंने तो रीस को मना किया था ना, और अचानक से रीस कहती है ठीक है क्यों नहीं, तुम लोग सो सकते हो, तुम लोग लिविंग रूम में सो जाना। वो इतनी ज्यादा खुश रहती है कि फ्लियो ने उसे अपने वाइफ जैसे इंट्रोड्यूस करवाया था और वो कहती है कि हमारे पास तो बहुत सारे रूम खाली है, चलिए इन्हें रूम दे देते हैं। फिर सीन कट होता है, हमें डीमन कैसल को दिखाया जाता है, जो डीमन कैसल में एक लेडी आकर रिपोर्ट करती है कि बियर्स को वाइप आउट कर दिया गया है और ये हीरो पार्टी का काम नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल का काम है। सो अब डीमन लॉर्ड कहता है कि आखिर कौन है वो, इसमें इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई जो अकेले पूरे बियर्स की पार्टी को वाइप आउट कर दिया, क्योंकि बियर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें फ्लियो के बारे में तो पता ही नहीं है, लेकिन इन्हें इतना पता रहता है कि फेनरिस की आर्मी हार चुकी है और ये नहीं पता है कि फेनरिस अब फ्लियो से मिल चुकी है। तो ये डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।